हेलो दोस्तों, मैं सरवत खान अपने फिरदौस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है कि हम लोग जब कोर्स करने के लिए फिरदौस कंप्यूटर में आते हैं तो बच्चे को ये नहीं पता होता कि हम सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहे हैं या हम हार्डवेयर कोर्स कर रहे होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के कोर्स की बात की जाए, सॉफ्टवेयर कोर्स एक पढ़ा लिखा इंसान करता है। सॉफ्टवेयर कोर्स के अंदर हमको पढ़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल कि हमको ASDF स्पेस ए की मात्रा का छोटी की मात्रा हा या फोटोशॉप के ऑप्शन या टैली के ऑप्शन कि पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले क्रेडिट करते हैं, डेबिटर्स क्रेडिटर्स संपत्तियाँ लाभानि खाता दायित्व तो एसेट्स सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। यानी हमें अगर दायित्व लफ्ज मुँह से निकाला तो हमको दायित्व की मीनिंग आनी चाहिए। अगर हमने एसेट्स की मीनिंग निकाली तो हमें एसेट्स की मीनिंग कि एसेट्स क्या होता है हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हार्डवेयर कोर्स करते हैं तो हमें ये जाहिर नहीं हो रहा होता है कि हमने कौन सा, मतलब अगर हम पढ़े लिखे नहीं भी हैं उसे पेशकश ब्लास्ट थमा और उसके पेशकश से हमने उसको स्क्रू खोला, मदरबोर्ड निकाला, हार्ड डिस्क निकाला, तो देखा जाए हार्डवेयर कोर्स जो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कहीं पास में ये नहीं होता कि पढ़ाई से अटैच। अगर पढ़ लिखे होते हैं तो हार्डवेयर और अच्छा सीख लेंगे, लेकिन उसमें पढ़ाई का कम इस्तेमाल। आप देखा होगा कि जो पढ़ लिखे नहीं होते हैं तो वो अच्छा कार का मैकेनिक बन जाते हैं, पंखे अच्छा रिपेयर कर लेते हैं, एसी अच्छा रिपेयर कर लेते हैं, वो स्कूल नहीं गए होते हैं, मतलब उन्होंने अच्छा रिपेयरिंग सीख लिया होता है। तो पढ़ाई से रिपेयरिंग का कोई इसमें अर्थ नहीं बनता है। लेकिन जो लोग सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहे होते हैं इसके अंदर पढ़ाई का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब बताए सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है अंदरूनी हार्डवेयर, एक होता है बाहरी हार्डवेयर। ये हर डिपार्टमेंट पे लागू होता है। क्योंकि मान एसी भी देख रहे हैं तो एसी का बाहरी हिस्सा और एसी का अंदरूनी हिस्सा, कंप्यूटर का अंदरूनी हिस्सा, कंप्यूटर का बाहरी हिस्सा। ऐसे सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। हम भविष्य में आपको सिस्टम, एप्लीकेशन एंड आंतरिक हार्डवेयर और बाह्य हार्डवेयर के बारे में भी समझाएंगे। आज हमारे बीच में हाफिज नुमान मौजूद हैं, तो कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ेंगे और साथ साथ अपने कुछ और भी पैनात पेश करेंगे। थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له كشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.